हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मंगललाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज की इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रो कंपाउंडों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रो कंपाउंडों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें हमने जो नाइट्रोबेंजीन है उनकी रिडक्शन अभिक्रियाओं के बारे में पिछली वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नाइट्रो समूह के कारण बेंजीन वाले पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। नाइट्रो समूह जो है वो एक प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है जिसके कारण बेंजीन वाले की ऑर्थो स्थिति और पैरा स्थिति पर धनावेश आ जाता है। और ऑर्थो और पैरा स्थिति पर धनावेश आ जाने के कारण जो नाइट्रो बेंजीन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो कहाँ पर संपन्न होती है, मेटा स्थिति पर संपन्न होती हैं। और इस इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह के कारण ऑर्थो स्थिति और पैरा स्थिति पर धनावेश आ जाने के कारण जो बेंजीन वलय पर नॉर्मली जो अभिक्रिया नहीं संपन्न होती हैं जैसे कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अब इस नाइट्रो समूह की उपस्थिति के कारण संपन्न हो सकती हैं। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहाँ पर संपन्न होगी, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि नाइट्रो समूह की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होंगी। ये नाइट्रो बेंजीन है, ये NO2 समूह है, ये NO2 समूह प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है जिसकी वजह से इसकी ऑर्थो स्थिति पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है और इसकी पैरा स्थिति पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है, दोनों ऑर्थो स्थिति पर और एक पैरा स्थिति पर। तो यहाँ पर तो धनावेश आ जाता है, तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाएंगे E+, तो प्लस है वो तो कहाँ पर आके जुड़ेगा, मेटा स्थिति पर। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो कहाँ पर संपन्न होगी, मेटा स्थिति पर। और यदि न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न हम करवाएं, न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर खुद के ऊपर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, तो न्यूक्लियोफाइल फिर कहाँ आके जुड़ेगा, या तो ऑर्थो स्थिति पर या फिर मेटा स्थिति पर। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम किसमें देखते हैं, एल्किन हैलाइडों में देखते हैं। एल्किन हैलाइडों में इसलिए देखते हैं कि हेलोजन परमाणु के कारण इस कार्बन परमाणु पर क्या आ जाता है, आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है और उस धनावेश के कारण इनके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ता है। Nu, R और Cl- है वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एल्किन हैलाइडों में आसानी से संपन्न होती हैं, लेकिन बेंजीन वाले हैं, बेंजीन के जैसे कंपाउंड हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देते हैं। लेकिन यदि बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो वो ग्रुप क्या करेगा, जहाँ पर जुड़ा हुआ है उसकी ऑर्थो स्थिति और मेटा स्थिति पर से जो इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देगा, वहाँ पर कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के कारण ऑर्थो स्थिति और पैरा स्थिति पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रो बेंजीन की हम अभिक्रिया करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इसकी ऑर्थो स्थिति पर आकर OH समूह आकर जुड़ जाएगा, ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर। तो किसका निर्माण हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल का निर्माण हो जाएगा। आगे हम देख रहे हैं हेलो नाइट्रो एरिन, यानी कि बेंजीन वाले पर नाइट्रो समूह जुड़े हुए हों और हेलोजन जुड़े हुए हों, उनको हम क्या बोलते हैं, हेलो नाइट्रो एरिन। तो सबसे पहले तुम देख रहे हैं कि हेलो नाइट्रो एरिन के बनाने की कौन कौन सी मेथड है। हेलो नाइट्रो एरिन के बनाने की जो मेथड है उनमें पहली जो मेथड है कि जो नाइट्रो बेंजीन है उस नाइट्रो बेंजीन की हम हेलोजन्स के साथ अभिक्रिया करवा दें, क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवा दें, किसकी उपस्थिति में, लुईस अम्ल की उपस्थिति में। तो लुईस अम्ल की उपस्थिति में हेलोजन
लुईस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण कर लेंगे, और वो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो फिर नाइट्रो बेंजीन की ऑर्थो पैरा पर तो जुड़ेगा नहीं, कहाँ आकर जुड़ेगा, मेटा स्थिति पर आकर जुड़ेगा, और मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। ये जो अभिक्रिया है वो भी किसके द्वारा संपन्न हो रही है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन के द्वारा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन के द्वारा। और यहाँ पर जो AlCl3 है और Cl2 है वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, AlCl3 लुईस अम्ल होता है क्योंकि एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल रहते हैं, इसका जो ऑक्टेंट है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो ये क्लोरीन के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा कि Cl- ये सिग्मा बॉन्ड वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पर आ जाएंगे, एल्यूमिनियम पर आ जाएंगे, एल्यूमिनियम Cl- के साथ अभिक्रिया करके Al4- और क्या बना देगा, Cl+। ये Cl+ है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा और इस बेंजीन वाले के जो नाइट्रो बेंजीन है उसकी बेंजीन वाले के मेटा स्थिति पर जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु को H+ के रूप में हटा देगा। वो H+ फिर इस Cl- के साथ अभिक्रिया करके वापस क्या बना देंगे, AlCl3 और HCl, बेंजीन वाले वाला H+ और ये वाला Cl-, HCl बना देंगे और Cl+ है वो इसकी मेटा स्थिति पर आकर जुड़े गए हैं। तो ऑर्थो एवं पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन यदि हमें बनाना हो तो उसको बनाने के लिए हम बेंजीन वाले पर पहले क्या समूह जोड़ेंगे, क्लोरीन जोड़ेंगे और फिर उसके हम नाइट्रिकन मिश्रण के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो जो क्लोरीन है उसके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ये होता है, और इसके ऊपर जब नाइट्रो समूह आकर जुड़ेगा तो वो या तो ऑर्थो स्थिति पर आकर जुड़ेगा या फिर मेटा स्थिति पर आकर जुड़ेगा। तो ऑर्थो और पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनाना हो तो पहले हम क्लोरो बेंजीन लेंगे, और यदि हमें मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनाना हो तो पहले हम लेंगे नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो बेंजीन की तो हम करवाएंगे हेलोजनीकरण जिसकी वजह से हमें मिलेगा मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, और यदि हमें और तो पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनाना हो तो हम पहले लेंगे क्लोरो बेंजीन और उसका हम करवाएंगे नाइट्रीकरण। अब आगे हम देखेंगे कि ये जो हेलो नाइट्रो बेंजीन है उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, हेलो नाइट्रो बेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाओं में हम देखेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों संपन्न हो पाती हैं, हेलो जो बेंजीन है वो नाभिक स्नेही के साथ अभिक्रिया करवाने पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, क्यों, क्योंकि बेंजीन पर जो पाई इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो क्लोरीन के पाई इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो NO2 समूह के कारण कुछ कम हो जाता है, और उस NO2 समूह की उपस्थिति के कारण ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दे पाते हैं। लेकिन यदि केवल बेंजीन हो और उसके ऊपर केवल क्लोरीन जुड़ा हुआ हो और उसकी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ पर जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो कुछ डिफिकल्टी के साथ संपन्न होती हैं, इजीली संपन्न नहीं होती। दो प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम देख रहे हैं, एक बार कि एक बार तो ये क्लोरीन जुड़ा हुआ हो एल्किल समूह के साथ और उसकी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो ये अभिक्रिया हम देखते हैं कि बहुत इजीली संपन्न हो जाती है, एल्कोहल का निर्माण हो जाता है ROH और क्या बन जाता है NaCl। यदि यही क्लोरीन बेंजीन वाले को जुड़ा हुआ हो इस प्रकार से और उसकी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएं, सेम ये अभिक्रिया यहाँ पर हम संपन्न करवाना चाहें कि बेंजीन वाले पर जुड़ा हुआ क्लोरीन है वो हट जाए और वहाँ पर OH जुड़ जाए और क्या बन जाए NaCl, तो ये अभिक्रिया है वो साधारण परिस्थिति में संपन्न नहीं होती है। साधारण परिस्थिति में संपन्न नहीं होती, उसके दो रीजन हैं, एक तो क्लोरीन के जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो इस कार्बन के साथ अनुनाद कर लेते हैं जिसकी वजह से क्लोरीन और कार्बन परमाणु के बीच में क्या आ जाते हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं। डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आने का मतलब बॉन्ड है वो ज़्यादा मजबूत हो गया है, ज़्यादा मजबूत हो गया है तो अब ये बॉन्ड इजिली नहीं टूटेगा, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी तो अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं होगी। दूसरा, बेंजीन वाले पर यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का घनत्व पाया जाता है, उस पाई इलेक्ट्रॉन के घनत्व के कारण यहाँ पर जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो नाभिक स्नेही है OH- है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, बेंजीन वाले पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों नेगेटिव चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और उस प्रतिकर्षण के कारण भी इस अभिक्रिया का वेग बहुत कम होगा, ये अभिक्रिया आसानी से संपन्न
नहीं होगी। ये अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो सकती है यदि इस बेंजीन वाले पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हुआ हो, और इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह में से सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है वो कौन सा है? नाइट्रो समूह। तो यदि इस क्लोरीन के ऑर्थो स्थिति या फिर पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हुआ हो तो फिर वो एरोमेटिक के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, वो आसानी से संपन्न हो सकती है। ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन हो और उसके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो वो अभिक्रिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी संपन्न हो जाती है। पहले अभिक्रिया करवा रहे थे तो अभिक्रिया कैसे संपन्न हो पा रही थी? टेम्परेचर में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना पड़ रहा था और हाई प्रेशर, और वो भी कितना ज़्यादा हाई प्रेशर हम रख रहे थे, 200 एटमोस्फियर। जो वायुमंडलीय दाब है उसका 200 गुना ज़्यादा दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, तब जाकर ये क्लोरीन परमाणु था वो OH के द्वारा रिप्लेस हो पा रहा था, प्रतिस्थापन हो पा रहा था। लेकिन यदि एक NO2 समूह हमने इसके ऑर्थो स्थिति पर जोड़ दिया है तो अब हमें हाई प्रेशर की आवश्यकता नहीं है, टेम्परेचर भी हमें 300 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता नहीं है, अब यह अभिक्रिया केवल 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर संपन्न हो जाती है। यदि एक से ज़्यादा NO2 समूह जुड़े हुए हों, एक ऑर्थो स्थिति पर और एक पैरा स्थिति पर दो NO2 समूह जुड़े हुए हैं तो अभिक्रिया और भी अधिक आसानी से संपन्न हो जाती है, केवल 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही संपन्न हो जाती है। और यदि 3 NO2 समूह जुड़े हुए हों तब तो हमें बेस की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्षार की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, केवल हम एक ये बेसिक साल्ट है, क्षारी लवण है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, इसके साथ अभिक्रिया करवा दें तो ये क्लोरीन है वो एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा आसानी से OH समूह के द्वारा OH समूह से रिप्लेस हो जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा? पिक्रिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बेंजीन की प्रमुख अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। बेंजीन वाले पर यदि हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो और उस हेलोजन परमाणु को हमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा प्रतिस्थापन करना हो तो वो प्रतिस्थापन आसानी से संपन्न नहीं होता है। इसके दो रीजन हमने देखे थे, एक तो हेलोजन परमाणु और कार्बन परमाणु के बीच में अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, और दूसरा बेंजीन वाले पर पाए जाने वाले पाई इलेक्ट्रॉन का घनत्व है जिसके कारण नेगेटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो और नाभिक स्नेही के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इन दो कारण के कारण बेंजीन वाले पर हेलोजन परमाणु यदि जुड़ा हुआ हो, क्लोरीन परमाणु यदि जुड़ा हुआ हो, तो उस क्लोरीन परमाणु को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा हम आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि बेंजीन वाले पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यदि हम कम कर दें, कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कोई NO2 समूह जुड़ा हुआ हो, तो उस NO2 समूह के जुड़े हुए होने के कारण ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो आसानी से हो जाती हैं। एक NO2 समूह जुड़ा हुआ हो तो आसानी से, दो NO2 समूह जुड़े हुए हैं तो और भी आसानी से इस अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, 3 NO2 समूह जुड़े हुए हों तो फिर कहना ही क्या है, आसानी से एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें एमियंस के बारे में हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।